हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 10th हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इसका आज हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 10 तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो पार्ट होगा इस पार्ट के अंदर हम जो है इस कंप्लीट वीडियो को पूरा करने वाले हैं। अब इसमें हमें जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक चल रहा था उत्प्लावकता से रिलेटेड। इसका आज हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ के उत्प्लावकता की घटना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे हम एक लोहे की कील पानी में डूबती है और एक कार्क पानी में तैरता है, ठीक है। उदाहरण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि एक लकड़ी का कार्क पानी की सतह पर तैरता है। इसका कारण आपको बताना है, क्या कारण है कि वो पानी की सतह पर तैरेगा कारक, लेकिन लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो इसमें हमने देखो पहले भी चर्चा की थी कि जिस पदार्थ का घनत्व है पानी से अधिक है वो पानी में डूब जाती है और जिस पदार्थ का घनत्व पानी से कम है वो पानी की सतह पर तैरती है। तो अब देखो इसमें एक तो लोहे की कील आई है, लोहे की कील का घनत्व है पानी से अधिक है और जब लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक होगा तो लोहे की कील डूब जाती है, ठीक है। तो लोहे की कील क्या होगी, डूब जाएगी। और लकड़ी के गुटके का घनत्व है कम है, अतः तो लकड़ी के गुटके का घनत्व कम है और गुटके का घनत्व जब कम होगा तो लकड़ी का गुटका पानी की सतह पर तैरने लगता है। इम्पोर्टेंट लाइन है तो ये आपको ध्यान में रखना, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा जल में और जिसका घनत्व कम होगा जल से वो जल की सतह के ऊपर तैरने लगता है। अगला पॉइंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब देखो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है और ये कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल की मात्रा के बराबर होती है। फिर इसे देखना, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से तरल में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक कमी आती है और ये जो कमी आएगी प्रत्यक्ष भार में एक प्रत्यक्ष कमी आती है और ये जो कमी होती है वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है या हटाई गई तरल की मात्रा के बराबर होती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से तरल में डुबाया जाता है तो तरल की सतह के द्वारा एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं और ये जो बल है वो तरल के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है।
यानी जैसे तरल में डूबते हैं तो वस्तु द्वारा जो तरल का भार हटाया जाता है तो उत्प्लावन बल का जो मान होता है वो जितना भार वस्तु द्वारा हटाया जाता है उस हटाए गए भार के बराबर उत्प्लावन बल का मान होता है। तो ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। आर्किमिडीज के बारे में हम ज्ञात करके कि ये ग्रीक वैज्ञानिक थे। ग्रीक वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्हें उस समय के राजा से सोने की मुकुट की शुद्धता जांच निर्धारित करने का कार्य दिया गया। तो देखो जब वो उस टाइम थे तो उन्हें वहाँ के राजा ने, ग्रीक के राजा ने, जो सोने का मुकुट होता है उससे सोने की मुकुट में कितनी शुद्धता है, यानी सोने की शुद्धता कितना है, तो ये सब ज्ञात करने का आर्किमिडीज को क्या किया गया था, कार्य दिया गया था। लेकिन वे जिसके कारण से उलझन में थे और अचानक बाद में वो टब में स्नान करते समय पानी के द्वारा हटाए जाने वाले उत्प्लावन बल का उनको एहसास हुआ, जब वो टब में स्नान कर रहे थे, कौन? आर्किमिडीज। तो उन्होंने देखा कि भाई जितना व्यक्ति जो है वो टब में डूबता है, ठीक है, उतना ही भार है वो हट जाता है। तो बाथ में घुसने के बाद उसने टब बाथ में घुसने के बाद उन्होंने पाया कि टब में से पानी बाहर आने लगता है। तो जैसे ही वो टब के अंदर प्रवेश किया उन्होंने नहाने के लिए, तो उनके शरीर के भार के बराबर जो द्रव है वो टब से बाहर आने लग गया। और समझते हुए, तो ऐसे इतना उन्होंने समझा और दिमाग में ख्याल आ गया, इसके पश्चात वो यूरेका यूरेका कहते हुए चिल्लाने लगे। इतना सब समझने के पश्चात वो यूरेका यूरेका कहते हुए समझाने लगे, जिसका अर्थ होता है, अब इस यूरेका यूरेका का अर्थ होता है हाँ मैंने पा लिया है, हाँ मैंने पा लिया है। तो ये यूरेका यूरेका करते हुए उन्होंने चिल्लाया तो इसका अर्थ होता है हाँ मैंने पा लिया है। और वो नंगे पैर दौड़ते हुए राजा के दरबार में पहुँचे और राजा के दरबार में पहुँचने के पश्चात उन्होंने मुकुट की शुद्धता वाली समस्या को क्या कर दिया, सुलझा दिया। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया गया जिसे उत्प्लावकता का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसका कौन सा उपयोग होता है तो वो हम देखेंगे। अगला पॉइंट आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जलयानों व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। सबसे पहला जलयानों व पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, पहला इसका उपयोग है जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। सेकंड है दुग्धमापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, दुग्धमापी के निर्माण में। अब ये दुग्धमापी कार्य क्या करती है? दुग्ध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे दुग्धमापी कहते हैं। ये दूध के किसी नमूने की शुद्धता को ज्ञात करती है। तीसरा है हाइड्रोमीटर के निर्माण में। जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर किसे कहते हैं? जो द्रवों के घनत्वों को मापने में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या है?
द्रवों के घनत्व को मापना। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव के घनत्व को क्या किया जाता है, मापा जाता है। इसका मतलब ये जो सिद्धांत है उसका जलयानों और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दुग्धमापी का जो डिजाइन है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के निर्माण में जो द्रवों के घनत्व को मापता है, इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अगला जो पॉइंट आता है वो आता है घनत्व। इंपॉर्टेंट है घनत्व और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इनके सूत्र में मान रखते हुए ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे घनत्व है, घनत्व है डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, तो इसको यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, किसी वस्तु का प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। अब देखो घनत्व को इस प्रकार रो या डी से व्यक्त करते हैं। डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, या तो हम रो लिख सकते हैं या डी से भी इसको व्यक्त किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं घनत्व है रो बराबर द्रव्यमान एम बटा आयतन। आयतन को लिखते हैं वी से, तो द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये किसका हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। तो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अब अगला पॉइंट आता है घनत्व की विमा। विमा या हम बोल सकते हैं इसका मात्रक। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, देखो हमें पता है यही सूत्र हम रखेंगे रो बराबर एम बटा वी। हमें पता है एम द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन वी उसका होता है मीटर क्यूब। कितना होता है आयतन का, मीटर क्यूब, या हम लिख सकते हैं प्रति घन मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर, और ये होता है किलोग्राम। अब ये मान यहाँ पे हम रख देंगे किलोग्राम बट्टा वी है मीटर क्यूब, यह हम लिख सकते हैं घन मीटर। तो इसके जब मात्रक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब, या हिंदी में यदि लिखें तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये सब मात्रक जो हमने लिखे हैं एक ही है, लेकिन इसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो हमने लिख दिए। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और समान परिस्थिति में किसी पदार्थ का घनत्व एक समान रहता है, अतः घनत्व किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है, और हम घनत्व की सहायता से पदार्थों की शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सोने का घनत्व है, बताओ कितना होता है, सोने का घनत्व होता है 1,9300 किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन क्यूब।
ठीक है, 19,300 किलोग्राम प्रति घन क्यूब, और पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन क्यूब। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व है या सापेक्षिक घनत्व है, इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट है वो हम देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक जो घनत्व होता है वो विमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ का घनत्व है, चलो इसको देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व है या सापेक्षिक घनत्व है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? किसी भी पदार्थ का घनत्व है और पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व है तथा पानी के घनत्व का अनुपात सापेक्षिक घनत्व कहलाता है, यानी किसी भी पदार्थ का घनत्व हो या पानी के घनत्व का अनुपात सापेक्षिक घनत्व कहलाता है या आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात, तो हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व है बट्टा पानी का घनत्व है। तो पदार्थ का घनत्व में यदि पानी के घनत्व का भाग देते हैं तो सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व प्राप्त होता है। यह आपेक्षिक घनत्व है किन्हीं दो पदार्थों के घनत्व का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और जब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व के लिए पानी को इसलिए स्टैंडर्ड माना जाता है। अब देखो, इसमें जो आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है तो उसमें पानी के घनत्व का अनुपात के रूप में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पानी के घनत्व को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया है क्योंकि पानी सभी जगहों पर सुलभता से उत्पन्न होता है। इसका कारण है, पानी उत्तम है क्योंकि पानी सभी जगहों पर, सभी का मतलब जितने भी जगह होती है, जितने भी स्थान होते हैं, क्योंकि पानी सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, या हम बोल सकते हैं सभी जगहों पर पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, और प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, तथा किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। घनत्व की तुलना में
व्यक्त करना, सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज के इस वीडियो में हमने जाना उदाहरण के द्वारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि एक कील डूब जाती है लेकिन गुटका नहीं डूब पाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जाना, घनत्व जाने, उसके मात्रक उनके सूत्र के बारे में चढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं।